शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहा जाऊँ? एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपनी आवाज को पकड़ लिया था। मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई भैया, हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन में पूरी कोशिश। मामला है, आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला सर? इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए, तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर, मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर, और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई, और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया, और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी, मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया, और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर, बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था, और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई, और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर, और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है, और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया, मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए, और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हक हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए, और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है, मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से ये कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की, उन्होंने मुझे राजूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ उनको दिया, फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्या सर के पास गया, उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है, DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं, मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान